तो स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 4 दैट इज द पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स और साथ ही यहाँ पे एल्डोस्टेरोन एंटागोनिज्म। यहाँ पे मैंने क्यों ये एक्सप्लेन साथ कर रहा हूँ कि कुछ क्योंकि पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स दो किस्म के होते हैं, ठीक है। एक जो है ना जो सिर्फ पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक है और एक जो है ना पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक के साथ एल्डोस्टेरोन एंटागोनिज्म भी करता है, ठीक है। मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, उससे पहले बता देता हूँ कि पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक क्या करते हैं। पोटेशियम की एक्सक्रीशन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। स्पेयर, ठीक है, स्पेयर मतलब छोड़ देना उसको, ठीक है, कि एक्सक्रीशन जो है ना बचा रहे हैं उसको, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये किस पेशेंट्स में देते हैं, हाइपर टेंसिव पेशेंट्स में जो है ना देंगे। उसके अलावा अगर पेशेंट है जिसमें एल्डोस्टेरोन का फंक्शन इंक्रीज हो जाए, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन जो है ना सोडियम और वाटर के रीअब्सॉर्प्शन करता है इन द एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम, तो पोटेशियम ज़्यादा एक्सक्रीट होगा, ये ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। इन पेशेंट्स में जो है ना हम पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स देते हैं, ठीक है। अच्छा, हम ये है ना मैंने फार्माकोलॉजिकल एक्शन में भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। अच्छा, तो ये ड्रग्स हैं कौन कौन से, स्पायरोनेक्टोन, एप्लेरिनोन, ट्रायम्पटेरिन एंड एमिलियोराइड, ठीक है। अच्छा, मैंने सेपरेटली क्यों बताई है, क्योंकि स्पायरोनेक्टोन क्या करेंगे, ये जो है ना पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स भी हैं, उसके साथ एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी है, ठीक है। और ट्रायम्पटेरिन और एमिलियोराइड क्या है, ये सिर्फ पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक है, ठीक है। अच्छा, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करते हैं, मैं दोनों बता दूंगा, ठीक है। उससे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं डिफरेंशिएट भी कर दूंगा इन दोनों के, रिसेप्टर एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना कलेक्टिन ट्यूब्यूल में एक्ट करेंगे, ठीक है। बड़ा करके से बना रहा हूँ, ये सेल है ऑफ द कलेक्टिन ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये पार्ट क्या है, ल्यूमेन है, ठीक है। ये ल्यूमेन हो गया, ये एपिथेलियम का सेल हो गया और ये ब्लड हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, एक जो है ना पोटेशियम पंप है, चैनल है जो डायरेक्ट फेंक रहा है बाहर। यहाँ पे एक एनए पोटेशियम पंप है एटीपीएस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एनए के पंप है, मैं लिखना भूल जाता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये तो बेसिक फिजियोलॉजी है, वो सबको याद होती है, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। अच्छा, यहाँ पे क्या, एल्डोस्टेरोन का रिसेप्टर है, ठीक हो गया। ओके, तो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स क्या होंगे, वो जो है ना यहाँ पे एक्ट करेंगे। यहाँ पे एक्ट करेंगे, ठीक है, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक। और जो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हैं वो यहाँ पे एक्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स की वजह से क्या होगा, जो पोटेशियम जो बाहर एक्सक्रीट हो रहा था, तो एक्सक्रीशन क्या हो गई, रिड्यूस्ड हो गई, कि एन ए अगर कंसंट्रेशन यहाँ पे अगर ज़्यादा है भी तो वो यहाँ पे अब एक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, अंदर जा नहीं सकते क्योंकि पंप बंद है, ठीक है। तो पोटेशियम हाइपरटेंसिव का पेशेंट है जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज है, ठीक है, हाइपरटेंसिव का पेशेंट है जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज़ है, तो सोडियम लॉस हो गया, तो साथ वाटर भी लॉस होगा, ठीक है। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में तो लॉस नहीं होगा, लेकिन फिर भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, करेगा, ठीक हो गया। साथ वाटर भी लॉस हो गया, तो हाइपरटेंसिव पेशेंट क्योर हो गया, क्लियर है। और उसके बाद अगर पेशेंट, जैसे मैंने कहा था, एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन अगर इंक्रीज़ हुई हुई है, तो रिसेप्टर भी ब्लॉक हो गए, तो वो क्या काम करेंगी, नहीं काम करेंगी, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, थ्रू पाथवे क्या करेगा, पोटेशियम ये चैनल्स बनाता है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये चैनल ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, ज़्यादा बनेंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, तो एल्डोस्टेरोन काम ही नहीं कर रहा, तो ये सब कुछ नहीं होगा, क्लियर। तो ये है वर्क ऑफ द पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स और ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। अच्छा, तब यहाँ पे एक और बात है, वो है एडिसन डिजीज़ का, ठीक है। एडिसन डिजीज़ में क्या है, प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड क्या हो रहा है, एल्डोस्टेरोन नहीं बना रहा, ठीक है, और बना रहा भी है तो यहाँ पे एक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो एड्रीनल इनसफिशिएंसी में क्या होगा, अब अगर देखें
पोटेशियम स्पेयर अगर इस स्पायरन इलेक्ट्रॉन और एप्लेरिन ऑन है, ठीक है, इनका क्या पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक भी है और एल्डोस्टेरोन का फंक्शन भी है, तो पोटेशियम स्पेयरिंग से तो ये कर लिया, ठीक है, क्लियर। मतलब कि ये वाला अपना फॉर्म डायरेटिक एक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि एल्डोस्टेरोन जब होगा मतलब उस तरह इफेक्ट नहीं होगा जो नॉर्मली होता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन यहाँ से चैनल बना के सोडियम, मतलब अगर यहाँ से सोडियम अंदर आया, ठीक है, तो एपिथेलियम से सोडियम खाली भी करना है ना, वो कौन ले जाएगा यहाँ से ब्लड में, एल्डोस्टेरोन ले जाएगा, तो एल्डोस्टेरोन जब नहीं है तो ये वाला काम हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो जो स्पायरल इलेक्ट्रॉन का काम बेस्ड ही इस पर था कि वो एल्डोस्टेरोन जो ये सारे एक्सक्रीट करेगा तो और भी ये लाने से प्रिवेंट करेगा, दोनों को प्रिवेंट कर लेगा तो सब कुछ प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म उधर डायरेटिक एक्शन होगा ही नहीं, ठीक है, उसमें जो है ना देने की ज़रूरत भी नहीं है एड्रेनल इंसफिशिएंसी में, क्यों क्योंकि वहाँ पे ये फंक्शन होगा ही नहीं, उसका डायरेटिक डायरेटिक का काम ही है ये। और ट्रायमटेरिन क्या है, एड्रेनल इंसफिशिएंसी हो कि ना हो ये अपना काम करेगा एड्रेनल, क्योंकि इसका काम क्या है इस चैनल के साथ है, ठीक है। अगर यहाँ पर नॉर्मली ये वाले चैनल भी है इससे भी प्रिवेंट हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो है ना मैं इस स्पाइनल इलेक्ट्रॉन एप्लेरिनॉन में ये होते हैं कि ये वाले चैनल्स भी होते हैं, ठीक है, जो हाइड्रोजन को बाहर पंप करते हैं और सोडियम को अंदर लाते हैं, तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे ये वाले चैनल्स भी प्रिवेंट होंगे, ठीक है, तो सोडियम ना इससे जा पाएगा ना इससे जा पाएगा ना इससे जा पाएगा, ठीक है। तो ये होगी बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बोथ, ठीक है, हर जगह तो सेपरेट सेपरेट है लेकिन मैंने ये कि डायग्राम में कर लिया क्योंकि यहाँ की इसको सेपरेटली ड्रा करना ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यही चैनल्स हैं, दोबारा ड्रा करके दोबारा वही बात करना टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा बात है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। अच्छा तो बस इस टॉपिक को आप एंड करते हैं विद एडवर्स इफेक्ट्स। स्पाइनल इलेक्ट्रॉन का मैं सेपरेट बताया था कि स्पाइनल इलेक्ट्रॉन क्या है, वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो एंड्रोजेंस हैं उनकी तरह उनके साथ रिजेंबल कर ले, तो हाई डोज में हम जो है ना नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि ये जो ना मेल्स में क्या करता है गायनेकोमेस्टिया कॉज करता है, ठीक है, और फीमेल में क्या मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटीज कॉज करेगा, ठीक है, तो हम ये नहीं देंगे हाई डोज में। लो डोज में एडिमा के पेशेंट में हम दे सकते हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट में दे सकते हैं, लेकिन लो डोज में रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये सारे जो है ना क्या करेंगे, यूरिक एसिड इंक्रीज करेंगे क्योंकि डायरेटिक है ऑब्वियसली, ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेटर पाथवे था जिसमें जो है ना डायरेटिक यूरिक एसिड और एंटीबायोटिक्स आ रहे थे, डायरेटिक जब आ रहे हैं तो इसकी वजह से ये और ये इंक्रीज हो जाएंगे, तो यूरिक एसिड इंक्रीज हो गया, ठीक है, गाउट के पेशेंट में नहीं देंगे, ठीक है, वही सारा काम है, यूरिक एसिड है। और इसके अलावा जो पोटेशियम स्पेयर कर रहा है तो अगर ज़्यादा स्पेयर कर लिया तो हाइपर कैल्सीमिया कॉज कर लेगा, ठीक। और उसके अलावा भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो आप खुद ही याद कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ मैं साइड इफ़ेक्ट्स सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे कर रहा हूँ कि जो आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया एंड्रोजन वाला, चलो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया क्योंकि मुझे हाई लो डोज की बात करनी थी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एंड करते हैं तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स पे, ठीक है, कि वीडियो को ख़त्म करते हैं।